इनको जिताने के लिए मैं यहाँ आपको विनंती करने आया हूँ, ऐसे शैलेंद्र सिंह मोंटी जी, डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी, राधिका जी, राम प्रकाश सचदेवा जी, श्री जय भगवान जी, श्री रमन शर्मा जी, श्री धर्मपाल जी, श्री रेणु सिंह जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री बी एल चवर जी, और आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मुझे आने में देर हो गई और आपको थोड़ा राह देखनी पड़ी क्योंकि दिल्ली के दूसरे कोने में सबसे अंतिम गांव में मेरी सभा लगाई थी, वहां से 3 सभाएं करकर मैं यहाँ आया। तो सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह मोंटी को जिताने की अपील करने की। मगर मोंटी को जब आप वोट दो, उस वक्त ये तो जरूर सोचना कि मोंटी विधायक बन जाए, मगर इसके साथ साथ आपका वोट ये फैसला भी करने वाला है कि अगले 5 साल दिल्ली किसके हाथ में रहने वाली। और मित्रों, दो खेमे स्पष्ट पड़े हुए, एक और मोदी जी है जो हमारे देश पर पाकिस्तानी आतंकवादी जब हमला करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और दूसरी ओर एक केजरीवाल एंड राहुल बाबा एंड कंपनी है जो अपने वोट बैंक के कारण के डर से कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। मालवीय नगर वालों, आपने तय करना है कि शाहीन बाग का समर्थन करने वाली पार्टियों को वोट देना है या सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दंड देने वाली पार्टी को वोट देना है, ये आपको तय करना है। और आपका एक वोट देश भर में संदेश भेजने वाला है कि अब देश के अंदर, अरे सुनो सुनो सुनो, अब देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलने वाली, पॉलिटिक्स ऑफ एपीसमेंट समाप्त हो चुका है, अब देश के अंदर उसी का शासन होगा जो देश की विकास और सुरक्षा की गारंटी देगा, देश की जनता उसी के साथ देगी। और विकास और सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। मित्रों, केजरीवाल जी ने 5 साल पहले अनेक प्रकार के वादे किए थे, मैं आज 35वीं सभा में आया हूं, आज ही हमारा बहुमत जितनी सभाएं समाप्त हो जाती है, 70 सीटें 35 का बहुमत होता है ना भाई, तो मेरी 35वीं सभा है। तो आज सभाओं का आधा फासला समाप्त हुआ। मित्रों, गत चुनाव के अंदर केजरीवाल जी ने ढेर सारे वादे किए थे दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वाले अनधिकृत कॉलोनियों वालों को, जे क्लस्टर वाले को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के व्यापारियों को। मैं आज पूछने आया हूं केजरीवाल जी को, हिम्मत है तो अपना घोषणा पत्र फिर से एक बार पढ़ दो जिससे दिल्ली की जनता को याद आए कि आपने क्या वादे किए थे और आपने कितना काम किया। मित्रों, मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूं, मुझे अभी एक और कार्यक्रम है और 9 बज चुके हैं। आप मुझे बताओ, उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड क्लास 1000 नई स्कूल बनाएंगे,
मालवीय नगर वालों, एक भी स्कूल बना है आपके यहाँ? जरा जोर से बोलो। उन्होंने कहा था 25-50 नई कॉलेज बनाएंगे, मालवीय नगर में एक भी कॉलेज खुली है? जोर से बोलो, खुली है। उन्होंने कहा था 5,000 DTC की बसें लेंगे, नई लेंगे। नई लेना छोड़ो, पुरानी जो छोड़कर गए थे उसमें 1,095 बसें कम कर दी, नई कोई नहीं आई। बसों के अंदर बच्चियों की सुरक्षा के लिए मार्शल खड़े करने वाले। बसों में आप जाते हो कभी मार्शल दिखाई पड़े? दिखाई पड़े मित्रों? उन्होंने कहा था 15,00,000 CCTV कैमरा लगाएंगे, और मैंने कहा केजरीवाल जी कैमरा कहाँ है? झूठ बोलने में तो इनका शायद नंबर कहीं नहीं, सबसे आगे निकल गए तुरंत का कि हमने लगाए हैं और कैमरे की फोटो है। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि हाँ भाई 1,50,000 लगाए थे मगर 15,00,000 लगने थे, तो खुश हो गए कि 15,00,000 छोड़ो, 1,50,000 लगाए। अमित शाह जी ने स्वीकार किया, मुझे मालूम था ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं अभी कहता हूं ये 1,50,000 कैमरा में से 1,25,00,000 केंद्र सरकार के पैसों से लगाए गए मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजी। उन्होंने कहा था 8,00,000 युवाओं को नौकरी देंगे, युवा बेचारा आज भी नौकरी ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा था सारे अस्थाई कर्मचारी और शिक्षकों को स्थाई करने का काम करेंगे, एक भी नहीं किया। उन्होंने कहा था फ्री वाईफाई कर देंगे पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे में, ये सारे वीडियो उतार रहे युवाओं, फ्री वाईफाई मिला है कहीं? मिला है मित्रों? फ्री वाईफाई छोड़िए, दिल्ली के अंदर शुद्ध पीने का पानी भी नहीं दे पाए। अभी अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने देश के 21 शहरों के पीने के पानी के परीक्षण किए, उसके सैंपल जांच किए, 21 में सबसे नीचे नंबर दिल्ली का। दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है, हवा श्वास लेने लायक नहीं है, रोड घूमने लायक नहीं है। केजरीवाल जी 5 साल आपने क्या कहा? आपने तो कहा था यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे, मगर सड़कों के अंदर गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है मालूम ही नहीं पड़ता है। केजरीवाल जी ने मां यमुना को स्वच्छ करने का वादा किया था, मैं आज मालवीय नगर में चैलेंज देकर जाता हूं, केजरीवाल जी यमुना के पानी में गोता लगा कर दिखा दो तो मैं मान जाऊं कि यमुना का पानी आपने स्वच्छ किया है। मित्रों यमुना की गंदगी के लिए 5 साल में कुछ नहीं किया। अरे केजरीवाल बाबू, अगर आपको नदियों की सफाई देखनी थी, जाननी थी, सीखनी थी, तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में, कुंभ में, गंगा में डुबकी लगा देते तो मालूम पड़ता मोदी जी और योगी जी ने कैसे गंगा को स्वच्छ किया है। मित्रों इन्होंने कहा था हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। जिस दिन मुख्यमंत्री बने दूसरे दिन ही पहली फाइल सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ढंग से रहना चाहिए, दिल्ली बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, मगर आपने वादे क्यों किए? मैं तो मानता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को अच्छा मकान मिलना चाहिए, दुनिया भर के लोग मिलने आए थे तो एक प्रकार की व्यवस्था चले, परंतु आपने वादे किए थे कि हम नहीं लेंगे। इसी के कारण अन्ना भी परेशान होकर कहते हैं मुझे धोखा दिया गया है। मित्रों केजरीवाल जी ना पीने के पानी में, ना रोड बनाने में, ना लाइट सप्लाई करने में, ना वाईफाई लगाने में, ना DTC की बसें ठीक करने में, ना गंगा को, यमुना को शुद्ध करने में, ना युवाओं को नौकरी देने में किसी भी नंबर में देश में नंबर एक नहीं आती है सरकार, किसी भी चीज में नंबर एक नहीं आती, एक ही चीज में नंबर एक आती है। कौन सी चीज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलने में
केजरीवाल सरकार का नंबर एक आता है मित्रों, पूरे देश भर में इतने झूठे वादे करने वाली कोई सरकार नहीं। मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए आयुष्मान भारत की योजना लाए। वो योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। ऑपरेशन के पहले का हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां और घर पे जाने के 300 रुपया अलग से। मगर दिल्ली वालों, आपको ये योजना का फायदा नहीं मिलता। 1 करोड़ लोगों ने देश में योजना का फायदा लिया, दिल्ली को नहीं मिलता है, क्योंकि इसने दिल्ली में योजना को लागू ही नहीं किया। उनको डर है कि योजना लागू होने के साथ मोदी जी दिल्ली वालों के साथ जुड़ जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। केजरीवाल बाबू, मोदी जी तो वैसे भी लोकप्रिय है, ये योजना आपने नहीं दी इसलिए दिल्ली वाले 8 तारीख को आपका हिसाब किताब मांगने वाले हैं मित्रों, हिसाब किताब। मोदी जी ने पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो का एक जाला बुना है, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, गांव को शहरी गांव का दर्जा दिया है, जहां झुग्गी वहां मकान का प्रॉमिस किया है। इसका सर्वे भी हो गया है, 1730 अनधिकृत कॉलोनियों को, 50 लाख लोगों को जहां रहते थे वो मकान का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। और मित्रों, ये सारे काम करने के बाद भी दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं को मोदी जी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को अच्छा करने का काम दिल्ली सरकार का होता है। आपने हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे दिए, उन्होंने कॉर्पोरेशन की ग्रांट कट कर दी, 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। आपने हमें केंद्र सरकार दे दी, केंद्र सरकार को ये काम नहीं करने देते हैं। अब बीच में एक नंबर छूट गया है, बैग होती है ना वो 3 नंबर वाली, उसका लॉक करते हैं तो पहला और दूसरा तो 1 नंबर आपने कर दिया, बीच वाला जो दिल्ली सरकार का नंबर है 0 कर दिया है, उसको भी 1 कर दो तो 111 होते ही, 3 सरकारें होते ही दिल्ली का विकास का रास्ता खुल जाएगा। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आपको विश्वास दिलाऊं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर आप दिल्ली में भाजपा की कमल फूल की सरकार बना दीजिए। हम दिल्ली को 5 साल में विश्व में सबसे अच्छी कैपिटल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, हम आप पार्टी वाले नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जो कहते हैं वो, और मोदी है तो। मित्रों, आपने इस बार 2019 के चुनाव में बहन मीनाक्षी जी को जिताकर भेज दिया, मोदी जी को 333 सीटें मिली, राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला, और मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही मोदी जी ने 70 साल पुरानी सारी समस्याओं का समाधान 6 महीने के अंदर कर दिया। मुझे बताओ मालवीय नगर वालों, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने? चाहते थे या नहीं चाहते थे? मगर जवाहरलाल नेहरू जो धारा 370 छोड़कर गए थे, वो कश्मीर को भारत के साथ जुड़ते हुए रोती थी। मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया, मोदी जी ने राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त किया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने हमेशा के लिए धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। और ये कश्मीर
आज भारत माता के मुकुट मणि की तरह सब दुनिया के सामने है। अभी 26 जनवरी को देखकर दिल को बड़ी शांति होती है कि 26 जनवरी के दिन कश्मीर में हमारा तिरंगा शान के साथ आसमान की ऊंचाई पर। अब 370 मोदी जी हटाते हैं, ये कहते हैं खून की नदियां बह जाएगी, नरसंहार हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ जी, एक गोली नहीं चलानी पड़ी, कश्मीर में आज शांति है, तो फिर 370 क्यों नहीं हटाते? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हटाती थी? इसलिए नहीं हटाती थी, उनको अपनी वोट बैंक का डर है, वोट बैंक का डर है। मुझे बताओ मालवे नगर वालों, एक केजरीवाल की वोट बैंक आप हो क्या? आप हो क्या? जोर से बोलो, आप हो क्या? कौन है केजरीवाल की वोट बैंक? कौन है बोलो भाई, जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है? ये इनके डर से 370 नहीं हटाते। मालवीय नगर वालों, 550 साल से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, दुनिया भर में जो भारतीय रहते थे वो सारे भारतीय 550 साल से संघर्ष कर रहे थे। क्या अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। आप चाहते थे या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? मगर जब भी केस चलने को आता था, केजरीवाल, राहुल बाबा, ममता दीदी, अखिलेश, मायावती, ये सारे लोग जब भी केस चलने के लिए आता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस बार सरकार बनी, कोर्ट में केस आया, केस चल गया, पांचों जजों ने कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। और मैं आपको कहकर जाता हूं भाई, ये 4 ही महीने के अंदर जहां रामलला का जन्म हुआ था उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हम चालू करने वाले हैं। मुझे बताओ भाई, ये कांग्रेस वाले क्यों रोकते थे इसको? केजरीवाल क्यों रोकते थे? अपनी वोट बैंक से डरते थे इसलिए रोकते थे। उनकी वोट बैंक आप हो मालवीय नगर वाले? जोर से बोलो, आप हो क्या? कौन है भाई, कौन है, कौन है? मित्रों, 10 साल तक मोदी जी की सरकार बनने के पहले यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, और 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। मगर मौनीबा का बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार दिल्ली वालों ने बना दी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब सरकार बदल गई है, कांग्रेस केजरीवाल जैसी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और अभी मौनी बाबा मुख्यमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी। और मित्रों, जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के सीने छलनी करने का काम नरेंद्र मोदी। और हमारे सेना के वीर बांकुड़े, वीर जवान विजयी होकर भारत माता की जय का नारा लगाकर सरी सलामत वापिस आ गए। और ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, एक केजरीवाल और राहुल बाबा सबूत मांगते, सबूत लाए। अरे अक्कल के बूढ़ो, सबूत देखना है तो मोदी जी से नहीं मांगते। पाकिस्तान का टीवी देखकर खोल कर देख लो, छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं, इससे अच्छा सबूत क्या होगा? मगर वो
अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए सबूत मांगते हैं। उनकी वोट बैंक आप हो बोला, जरा जोर से बोलो आप हो बोला। कौन है, कौन है, कौन है मित्रों? अभी अभी सीए लाए मोदी जी, सीए लेकर आए। सीए क्या, क्यों इसका विरोध कर रहे? सीए है कि जब देश के दो टुकड़े हुए धर्म के आधार पर, तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, उसी बौद्ध, जैन शरणार्थी रह गए थे, नागरिक रह गए थे, इन पर अत्याचार किया। उनके घर वालों के सामने उनके परिवारों की महिलाओं को अपमानित किया, इनके घर बार छीन लिए गए, जमीन जायदादें छीन, 100-100 करोड़ के मालिक लोग यहां आकर दाने दाने के मोहताज हो। और मित्रों, उनके पास ना आज घर है, ना मकान है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ना बूढ़ों को स्वास्थ्य का सहारा है, ना नौकरी है। लाचारी की जीवन 70 साल से जी रहे। मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया है। और केजरीवाल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों को नौकरी देती है। अरे चुल्लू भर पानी में सर्प से डूब मरो केजरीवाल, डूब मरो। आपको मालूम नहीं है ये दिल्ली के अंदर 30% जनता पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाइयों की बनी है। जब देश टूटा वो यहां आए थे। आप उनको पाकिस्तानी कहते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। मित्रों, आज मैं गर्व से आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो वो शरणार्थी आए हैं उनका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। कहां जाए वो लोग, कहां जाए? वहां से निकाल दिए गए, अत्याचार किए, हत्याएं कर दी, घर छीन लिए, महिलाओं को अपमानित किया, धर्मस्थान तोड़ दिए। कहां जाए वो लोग? और क्या कहना चाहते हो कि उनको नागरिकता न दो? मोदी जी ने कहा है इनको सम्मान के साथ हम रखेंगे, उनको नागरिकता भी देंगे और गले से भी लगाएंगे। मित्रों, हमें कोई, और मोदी जी सीए लेकर आए, उन्होंने भ्रांति फैलाना शुरू कर दी, दिल्ली में दंगे लगाए और दंगे कराए। देखे थे या नहीं देखे थे मालवीय नगर वालों? जरा जोर से बोलो, देखे थे या नहीं देखे थे? मालूम है ना कौन करता था? मित्रों, ये दंगा कराने वाले दिल्ली को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? अभी ये सरजील इमाम ने कहा कि आसाम को काट कर भारत से अलग कर दो। क्यों भाई, कैसे कर दोगे? मैं कहने आया हूं मित्रों, किसी की हिम्मत नहीं है करने की, ना कर पाएगा ना हम करने देंगे। और सरजील इमाम को, इस सरजील इमाम को उठाकर हमने जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी ने अगले दिन ट्वीट किया, आप गृह मंत्री हो, क्या कर रहे हो, इसको जेल में डालो। जेल में तो डाल दिया, मगर टुकड़े टुकड़े गैंग को जेल में डाला। बाद में आपने परमिशन नहीं दी खालिद को केस चलाने की। केजरीवाल बाबू, आज मैं पूछने आया हूँ मालवीय नगर की सभा में, इस सरजील इमाम और खालिद के खिलाफ केस चलाने की परमिशन आप दोगे या नहीं दोगे? दिल्ली की जनता जानना चाहती। और मित्रों, आप, अरे भाई 11 के बाद उनके हाथ में ही नहीं है, क्यों चिंता? मगर 11 के पहले, 11 के पहले अगर ये झाड़ू वाले, सुनो सुनो, 11 के पहले अगर ये झाड़ू वाले वोट मांगने आते हैं, तो मैं विशेषकर बहनों को और माताओं को कहना चाहता हूं, इनको पूछना कि खालिद और सरजील इमाम को जेल में डालने की परमिशन दोगे या नहीं दोगे? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए भाई? वो क्यों नहीं देते परमिशन, बताओ भाई? वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप हो क्या?
जरा जोर से बोलो, आप हो क्या? आप हो क्या? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? जोर से बोलो, कौन है? मित्रों, जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण देश के टुकड़े करने वालों को बचाने निकले हैं, इनको कभी भी सत्ता में आने का, एक क्षण रहने का अधिकार नहीं। और मित्रों, मैं दिल्ली की जनता को कहने आया, विकास तो हम करेंगे ही, शुद्ध पानी देंगे ही, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे ही, विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे ही, मगर साथ साथ दिल्ली और देश को सुरक्षित भी करेंगे और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित। मित्रों, मैं आज आपका सहयोग मांगने आया, शैलेंद्र सिंह मोंटी को बड़े चाव से हमने प्रत्याशी बनाकर भेजा। अरे ईश्वर देखो भाई, ओ ए ईश्वर देखो, ए शैलेंद्र सिंह मोंटी को हमने बड़े चाव से प्रत्याशी बनाकर यहाँ आपके सामने भेजा है। मुझे बताओ, इसको जिताओगे? नहीं पड़ता, इसको जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मगर देखो भाई मालवीय नगर वालों, कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर इतना जोर से दबाना कि बटन मालवीय नगर में दबे और झटका लगे शाहीन बाग के। तो भाजपा सरकार बनाएंगे, दिल्ली को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, मोदी जी के समर्थन की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार